और हमारे बीच में डॉक्टर अंबेडकर युवा संघ समिति चितवन जोड़ भिवानी की एकमात्र ऐसी संस्था है जिसका प्रथम पूरे भिवानी जिले में लहराया है। तो कोई भी कार्यक्रम हो ये संस्था तन मन धन से हरेक कार्यक्रम में बढ़ करके भाग लेती है और आज एक विशाल भवन बनकर तैयार हो चुके हैं। वो सब इस पूरी टीम की मेहनत की बदौलत है। आज इस अम्बेडकर भवन का झंडा पूरे भिवानी जिले में बनता है। अगर कहीं कोई बात होती है ये संस्था यहाँ पर निःशुल्क कोचिंग भी चलाती है, बच्चों को निःशुल्क कोचिंग देती है। भिवानी के एकमात्र ऐसी संस्था है जो बच्चों को यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट से कोचिंग देती है। तो मैं दिल की गहराइयों से इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। यूं ही इस तरह हमें अंजाम को आगे बढ़ाते हैं और यूं ही अपना संस्था का परचम भिवानी में पूरे हरियाणा और भारत में लहराते रहे। तो मैं हमारे वीडियो से निवेदन करूंगा इस पूरी टीम का माल्यार्पण और पटका पहनाकर जोरदार स्वागत करें। डॉक्टर संदीप सिंह जी आप हैं। आज के इस कार्यक्रम में मास्टर रमेश कुमार जी ने प्रिंसिपल कार्यक्रम के लिए सहयोग दिया है 1000 रुपए का, बहुत बहुत धन्यवाद। योगाचार्यों के साथ मास्टर जी का स्वागत करें। धन्यवाद जी। मैं हमारे बहुत ही नमस्कार है।
मुआल साहब, प्रिंसिपल रमेश मुआल जी और इंजीनियर आदि डॉक्टर संदीप जी, मास्टर विजेंद्र जी मंच पर आए, डॉक्टर शालिनी जी और सुशीला देवी सिंह जी। आज ही का योजना सबसे चलाते हैं महिलाएं, आज किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, कभी महिलाएं पीछे मुड़कर नहीं देखती, वो जब पकड़ कस लेती हैं तो बुलंदियों को छूती हैं। ऐसी महिला तो हमारे बीच में आई है जो भवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र से है, बघेरी जी हैं और अमरपति जी, अमरपति जी गांव में बात पूछे हैं और बघेरी जी हैं बड़ियाड़ी से। ये दोनों महिलाएं भिवानी रेलवे स्टेशन के समीप आजीविका भोजनालय चलाती हैं और 50 रुपए में भर पेट खाना खिलाती हैं। 50 रुपए की डाइट है, भर पेट भोजन खिलाती है 50 रुपए में। भिवानी का एक मात्र ऐसा भोजनालय है जो 50 रुपए में खाना खिलाता है। रेलवे स्टेशन के पास में ही है जो पटवार खाना है उसके बिल्कुल साथ में आजीविका भोजनालय। तो मैं निवेदन करूंगा बघेरी जी और अमरपति जी दोनों मंच पर आए, जोरदार तालियों के साथ का स्वागत करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने कीमती समय से इतना समय दिया और मैं माफी साहब ने गलती हुई थी, मोहित की मम्मी भी हमारे बीच में है, मैं निवेदन करूंगा आप मोहित की मम्मी वो भी आए, सुशीला जी भी जोड़ दिया अपने लिए बड़ा एक बार मंच के आए मात्र एक मिनट के लिए। मोहित आप भी आ जाओ, स्वागत है मैम काकड़ हरियाणा स्टार सुंदर न्यूज और स्टार प्रकाश न्यूज, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद, आप सबको भी बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। आज महात्मा बुद्ध का त्रिविध बुद्ध पूर्णिमा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी जो बुद्ध ने जितना त्याग किया आज के युवाओं को भी इसके बारे में सोचना चाहिए, जो उन्होंने मतलब समाज को एक अच्छा संदेश देने का काम किया, आज के युवा और जो महिलाएँ हैं उनको भी ऐसे ही जीवन से जुड़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है मैम। नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे? आज महात्मा बुद्ध की त्रिविध बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई है, बहुत अच्छा लगा जी, बुद्ध पूर्णिमा मनाई है और आप सबको भी बहुत बहुत बधाई है बुद्ध पूर्णिमा। तो आप आज का सम्मान हुआ है, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? धन्यवाद आप सबके लिए, क्या कहना चाहते हैं? कहेंगे बहुत अच्छा लग रहा है और भाई जो आज बुद्ध पूर्णिमा हमने मनाई है मतलब काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, कुछ बातें जैसे अपने महात्मा जी बैठे थे उन्होंने काफ़ी कुछ बताया है तो उनकी बातों से कुछ बातें हो सकता है हमें याद ना हो बताना हो बट उनसे सुन के कुछ बातें सोचने पे मजबूर हो गए कि हाँ भी कुछ उस टाइम पर कुछ ऐसा था
और हम उनके मार्गदर्शन पर चलने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद मोहित आजा भैया काजी एसोसिएशन के सेक्रेटरी महेंद्रगढ़ से। तो आज मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पहुँचे हैं सर, स्वागत है आपका। क्या क्या संदेश देना चाहते हो जी त्रिविध बुद्ध पूर्णिमा की? आज ये अब समाज को आगे बढ़ाएं, समाज को आगे। तो सर आप अखिल भारतीय भीमसेना के लीगल सेल के प्रदेश अध्यक्ष थे, तो क्या काम रहा आपकी पूरी टीम ने रिजाइन किया? वो जी उनकी जो है अनुभव को उनकी मुझे संदेश दिया, उनका हमने कार्यकाल छपसन दिया है, इस वजह से मैं कार्यकाल। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे हम कोई अलग से आगे रणनीति हम बहुत बड़ा संगठन बड़ा करें। तो कब तक की प्लानिंग है सर, कब करेंगे? अभी हमारी एक दो मीटिंग करेंगे पूरे समाज की, उसको बैठे फैसले। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। स्वागत है जी हमारे जी, आप सभी को जय भीम। आज आप यहाँ पहुँचे हैं त्रिविध बुद्ध पूर्णिमा में, और क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि आप लोग महिलाओं ने घर से निकल के चूल्हा चौका छोड़ करके एक अपना बिजनेस सेटअप किया है आजीविका भोजनालय, और बहुत से लोग उसमें भोजन करके बड़ा आनंद की अनुभूति करते हैं, क्योंकि सबसे सस्ता भी है आपका भोजनालय और घर का जैसा बना है, तो क्या कहना चाहोगे? जैसे हमारा जो खाना बनाती हैं महिलाएँ बनाती हैं साफ सफाई से, और ना कोई मसाले डालती, और ना ये कि जैसे घरों में जैसे सुबह की सब्जी को शाम को शाम की सुबह खिलाते हैं, तो हम ताज़ा ताज़ा सब्जी बनाते हैं या किसी को दिक्कत ना हो। क्या कहना चाहेंगे आज त्रिविध बुद्ध पूर्णिमा आप लोगों ने बड़ी धूमधाम से उल्लास के साथ मनाई है? धन्यवाद, हमने ये फंक्शन है ना पहली दफ़ा किया है, और आगे हमें इसको जारी रखेंगे, और हमारा है ना मतलब ये फंक्शन है ना बहुत ही एजुकेटेड आदमियों का था, कम ही आदमी मतलब बाहर से मजदूर मौला है, और हमारा तो सबसे बड़ा जो था गुरु महाराज का रविदास जी का उनका जो जयंती आती है ना, ये पहली जयंती हुई है, अगली जयंती पर हम इसमें भीड़ जुटाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे, जो कुछ है ना हमारा महात्मा बहुत अच्छे है हैं, और उन्हीं की शिक्षा से हमारे जो हैं वो निकले हैं बाबा साहब। जय भीम। धन्यवाद सर। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संदीप सिंह वारजी, सर स्वागत है आपका। सर आज त्रिविध बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई है, क्या संदेश देना चाहती हैं? बुद्ध पूर्णिमा मनाई आज बड़े अपने हर्षोल्लास से मनाई है, और गौतम बुद्ध जी ने जो वो दिया था हमें संदेश कि हमें मानवता का पालन करना चाहिए, लेकिन आजकल जो सोसाइटी में संप्रदाय का दंगे चल रहे हैं इसके रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो आज बुद्ध धर्म की बहुत ज़्यादा जरूरत है इस समाज को, और हमारे समाज में प्राचीन काल से चंद्रगुप्त मौर्य लगा लो या फिर बाबा साहब अम्बेडकर लगा लो, सब ने ही बुद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि जो हिंदू धर्म या और धर्मों में जो भी कमी है, जैसे कि हिंदू धर्म कहता है कि जीव हत्या पाप है, लेकिन बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग अकारण जीव हत्या पाप है, तो जो और धर्मों की जो कमियाँ हैं उसको बौद्ध धर्म ने संपूर्ण किया है, तो एक प्रकार से संपूर्ण रास्ता है आपकी मुक्ति के लिए। तो मैं यही कहूँगा कि जितना हो सके बौद्ध धर्म को फैलाना चाहिए, मानवता को फैलाना चाहिए। जय भीम। धन्यवाद सर।